स्वाइप से हम लिखे उसको कैसे कैपिटल कर सकते हैं। अरे भाई कल अपना सेमेस्टर है, पढ़ कर तो कुछ नहीं हुआ, रिवीजन तो भूल ही जाओ। तो बातें करने से अच्छा है रात भर बैठकर साथ में पढ़ते हैं। भाई मेरे पास इसका एक सलूशन है। तू बस एक एक पफ ले और ये दवाई लेके शुरू हो जा। सिगरेट तो पता था पर ये दवाई क्या है? ये है चार्ली यानी कोके, इसे हम रात भर तक पढ़ाई कर सकते हैं। तू बस एक पफ ले और शुरू हो जा। बस ऐसे ही तो लोगों में मेहनत बनकर हमेशा के लिए पीछे पड़ जाता हूँ। क्या हुआ रमेश, इतने थके हारे क्यों नजर आ रहे हो? क्या बताओ यार, जब से प्रमोशन हुआ है दिन की चैन और रातों की तो नींद ही उड़ गई है। भाई तू एक काम कर, अपनी प्रॉब्लम जाके डॉक्टर से शेयर कर, वो जरूर तेरे हेल्प करेंगे। अभी तो ये बस शुरुआत है। रमेश योर रिपोर्ट्स आर वेरी एबनॉर्मल, क्या आप इससे पहले कोई ड्रग कंज्यूम करते थे? यस डॉक, मुझे स्मोकिंग की हैबिट है और दो साल पहले ऑनलाइन वर्किंग शिफ्ट के लिए मैं कोकेन भी लिया करता था फॉर ऑलमोस्ट 4 months। रमेश दैट्स वेरी रिस्की, इन एनी केस दिस सीम्स रियली सीरियस। मैं आपको कुछ स्लीपिंग पिल्स दे रही हूँ। बट प्लीज पे अटेंशन टू इस डोज रेजिम, आप खुद से इसे कम ज्यादा नहीं कर सकते और फॉलोअप्स के लिए आते रहना। ओके डॉक, थैंक यू सो मच। इतना आसान नहीं है मुझसे बच पाना। हेलो, आप मुझे ये पूरा प्रिस्क्रिप्शन विद स्लीपिंग पिल्स दे दो। आपके सिम्टम्स ठीक नहीं लग रहे। आर यू फीलिंग ओके? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो, आप बस ये पिल्स दे दो जल्दी से। हेलो डॉक्टर, जो आपके पेशेंट रमेश स्लीपिंग मेडिसिन ले रहे थे, क्या आपने उनकी डोज इंक्रीज की है? बिकॉज उनके सिम्टम्स बहुत हाई डोज इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, मैं देखती हूँ। रमेश प्लीज रिपोर्ट टू मी टुमारो, आपको एडिक्शन ने बहुत बुरी तरीके से पकड़ लिया। रिहैबिलिटेशन में पेशेंट को उस ड्रग की आदत से छुटकारा दिलाने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेस की केयर में रखा जाता है। ड्रग्स न लेने के कारण होने वाले सारे विथड्रॉवल सिम्टम्स से मिलकर लड़ाई की जाती है और उस पेशेंट को उस ड्रग की लत से छुटकारा दिलाया जाता है। आप सबको सच में थैंक यू, आप लोग नहीं होते तो आज शायद ही मैं जिंदा होता। वेलकम। याद रखे सब्सटेंस अब्यूज बीमारी नहीं लत है। ड्रग्स पर निर्भर होके लाइफ खराब करना होता है। शुरू में तो बस एक पफ और खत्म होने में सालों की रिहैबिलिटेशन लग जाती है। एडिक्शन ये कई प्रकारों में पाया जाता है, चाहे वो आपकी सिगरेट, टोबैको या अल्कोहल की आदत हो या हो कोई भी साइकोएक्टिव मेडिसिन्स
जैसे मॉर्फिन, कोकेन, हशीश, एलएसडी आदि। दवाइयाँ हानिकारक नहीं होती, परंतु आवश्यकता से अधिक सेवन उन्हें हानिकारक भी बना सकता है। आपको उसकी लत भी लग सकती है। इसी विषय पर जन जागृति हेतु द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग यानी कि वर्ल्ड ड्रग डे प्रतिवर्ष 26 जून को मनाया जाता है। नशे की मार सबसे बेकार, बर्बाद करे घर संसार।